दुकानों पे, दुकानों पे, ढाबों पे, रेस्टोरेंट पर अपनी पहचान बतानी होगी किसी ने। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं ठीक नहीं। मुझे कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं एनडीए के जो गठबंधन के लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध और समर्थन के पीछे लोगों के राजनीतिक मंसूबे हैं। विरोध तो लोग मोदी जी का भी कर रहे हैं कि मोदी जी संविधान के लिए खतरा हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, मोदी जी ओबीसियों के लिए खतरा हैं, मोदी जी दलितों मुसलमानों के लिए खतरा हैं, और फिर उनके प्रति पूरे देश में एक घृणा और नफरत का माहौल तैयार करके कि देवतुल्य देश के प्रधानमंत्री को ही लोग मारने के लिए खड़े हो जाएं, जैसे ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए थे, ऐसे जैसे उनके कान के पास से गोली होकर के गुजरी। खैर वो तो अब शायद विजयी हो ही जाएंगे, लेकिन एक ये जो घृणा और नफरत का भाव किसी भी रूप में देश के प्रधानमंत्री के प्रति हो, हिंदुओं के प्रति हो, या किसी और वर्ग जाति समूह के प्रति हो, ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है। ना भारत की सनातन संस्कृति है, ना भारत की संस्कार है। भारत की सनातन संस्कृति अहिंसा, प्रेम, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी पर आधारित है। इसलिए हम सब मिलकर रहे। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान। दिल्ली में केदारनाथ जी का मंदिर बन रहा है, उसको लेकर संतों का काफी विरोध है, क्या ऐसा होना चाहिए कि प्रतिष्ठित मंदिरों की कॉपी बननी चाहिए? देखिए, जो हमारे देवस्थान, जो हमारे बड़े तीर्थ है, उनका कोई विकल्प हो नहीं सकता। बाकी हमारे ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, तीर्थ देवता, इष्ट देवता भिन्न भिन्न है। 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार के भी है, 33 करोड़ भी उसका अर्थ करता है। हमारे इष्ट, हमारे देवी देवता अनेक हैं और परात्पर ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। इस सब अनेकता में एकता का सूत्र हमने देखा है। हाँ, ये सत्य है कि अब कोई हरिद्वार धाम को नया बना दे कि हमने नया हरिद्वार बना दिया है, हमने नई काशी बना दी है, हमने नया मथुरा वृंदावन बना दिया है, तो जो भगवान के द्वारा बनाए हुए धाम है उनको कोई इंसान नहीं बना। गुरुजी, इन्हीं धामों को लेकर धामी सरकार ने एक निर्णय भी लिया है, कैबिनेट ने, कि इनके नामों का दुरुपयोग जो करेगा उस कड़े। धामी सरकार ने जो चारों धामों का पेटेंट करने का जो निर्णय लिया है वह प्रशंसनीय है, ये अच्छी बात है।